हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है और आज एक मई नई वीडियो के साथ हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 BLDC मोटर के बारे पे। यदि आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा टॉप 5 में कौन सी मोटर है। ठीक है ना, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे बात करने वाले हैं टॉप 5 मोटर के बारे में। यदि आप एक ड्रोन बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि मोटर कौन सी यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि मोटर के बारे में। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं पूरी बात आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कौन सी मोटर आप यूज़ करें और टॉप 5 में कौन सी मोटर है और आपके ड्रोन के लिए कौन सी मोटर बेस्ट रहेगी। ठीक है ना, यदि आप ड्रोन बनाते हो तो ड्रोन बनाने से पहले आपको मोटर ही सेलेक्ट करना होता है, इसलिए मैं जो है कि टॉप 5 की एक वीडियो लाया हूँ और बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। नंबर 5 में है इस लिस्ट पे, वो है ईमैक्स की, जो कि ईमैक्स की ये मोटर है वो है 2213 ब्रेसलेस मोटर है। इस मोटर की बात करूँ तो ये 920 केवी की मोटर है और इस मोटर पे बेसिकली आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी और हल्की होती है ये मोटर बेसिकली। ठीक है ना, और इस मोटर की और खासियत की बात करूँ जो कि इसमें यदि इस मोटर की यदि डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन बनी होती है। ठीक है ना, इस मोटर की यहाँ पास मल्टी रोटर ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। इसमें हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर और ट्राईकॉप्टर, बहुत सारे कॉप्टर आप इस मोटर के हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है ना, और मोटर की थ्रस्ट की बात करूँ जो कि मैक्सिमम है 860 मैक्सिमम थ्रस्ट है और इसमें जो ESC यूज़ होती है वो होती है 18 MPS से इसमें ज़्यादा की ESC आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसकी यदि लेंथ की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथ और हाइट इसकी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है ना, और इसको इस मोटर को यदि आप कहीं भी इंस्टॉल करते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से ये मोटर इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है ना, एक ड्रोन पे। इस मोटर की यदि बात करूँ कॉस्ट की तो ये मोटर जो होती है ईमैक्स की जो मोटर है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। ठीक है ना, और इस मोटर की जो वजन की बात करूँ इसमें जो वेट है वो 55 ग्राम इस का वेट है इस ईमैक्स का। ठीक है ना, अब बात करते हैं नंबर 4 पे जो इस लिस्ट पे है वो है 2212 ब्रेसलेस मोटर है। इस मोटर की यदि खासियत की बात करूँ तो ये बेसिकली 1000 KV मोटर मिलती है। ठीक है ना, और इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है जो यूज़ करते हैं बेसिकली ESC वो होता है 30 MPA। ठीक है ना, इस तो 2 पोल के साथ इसमें 21 लाख जो RPM मिल जाता है। ठीक है ना, और वहीं बात करूँ 6 पोल पे तो इसमें 70,000 RPM मिलता है। ठीक है ना, और बेसिकली ये स्पीड की मैंने इस मोटर पे बात किया हूँ। ठीक है ना, और ये बात करें इस मोटर की तो नॉर्मल इसमें प्राइस पे आपको मिल जाती है ये मोटर हॉबी पावर की। और इस मोटर की बात करूँ तो यहाँ पास यदि आप इसको जब फ्लाई के लिए अपने ड्रोन पे यूज़ करते हो तो इसमें आपको कंपन थोड़ा देखने को मिलेगा। और नंबर 3 पे जो मोटर है वो DJI की है, 2212 ब्रेसलेस मोटर है। इस मोटर की बात करें तो 920 KV की मोटर मिलती है और इस मोटर की यदि RPM की बात करें तो यहाँ पास मैक्सिमम यदि 40 एम्पियर की ESC यूज़ करते हो तो 36,000 इस पे RPM मिलता है। ठीक है ना, इस मोटर की यदि खासियत की बात करो तो इसमें जो वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है और यदि यूज़ करते हैं ज़्यादातर ड्रोन पे यदि यूज़ करें तो इस मोटर की बहुत ही अच्छा ये फैसिलिटी मिलती है कि इस मोटर पे यदि आप फ्लाई करते हो तो आपको फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा और यदि आप बहुत ही ज़्यादा इसको हाइट पे ले जाते हो तो इस पे ड्रोन पे जो होता है तो कंपन और वाइब्रेट नहीं होती। और ये मोटर में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये मोटर जो ज़्यादा जल्दी हीट नहीं होती जिसके कारण इसमें अधिकतम फ्लाई कर सकती है ड्रोन पे। ठीक है ना, और इस मोटर तो ये 58 ग्राम मोटर एक मोटर मिल जाती है। यदि आप अपने ड्रोन पे यूज़ करते हो तो ये मोटर बहुत ही अच्छी DJI की होती है और इस मोटर में बेसिकली ज़्यादातर एक अच्छा ब्रांडेड जो ड्रोन बनाना चाहती है उसके लिए ये मोटर होती है DJI की। अब वहीं बात करें यहाँ पास नंबर 2 की जो मोटर है हॉबी मेट की, ये मोटर है 2204 है और इस मोटर बेसिकली ज़्यादातर छोटे क्वाडकॉप्टर पे यूज़ होते हैं। बेसिकली यहाँ पास यदि इस मोटर के आप यूज़ करना चाहते हो तो इस मोटर में बेसिकली जैसे 250 फ्रेम हो गया, 210 फ्रेम हो गया, 180 फ्रेम हो गया, इस तरह के फ्रेम पे ये मोटर यूज़ होती है बेसिकली। ठीक है ना, और इस मोटर की यदि खासियत की बात करूँ तो इस पर कंपन बहुत ही कम होता है और रेसिंग क्वाडकॉप्टर पे और
ये यूज़ होता है, इस मोटर के यूज़ है, ठीक है ना। और इस मोटर की आरपीएम भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इस मोटर की यदि खास स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा ये हल्की होती है, ठीक है ना। ये मोटर जो कि हॉबी मेट की है, यहाँ पास मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है इस मोटर को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये कंपन नहीं करती है। और यदि यूज़ करते हो ड्रोन पे, जो कि नॉर्मल छोटे ड्रोन होते हैं, मिनी ड्रोन होते हैं, उस पर यदि ये ड्रोन यूज़ होता है तो ये जो मोटर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है और फ्लाइंग करने के लिए बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है इस मोटर की, हॉबी मेट की, ठीक है ना। अब वही बात करें नंबर 1 में जो मेरे पर रखा हुआ है वो है पैरट ए ड्रोन 2.0 मोटर है। और इस मोटर की बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि ये 15 वाट की जो है तो ये मोटर होती है। और ये इस मोटर की यदि बात करूँ 1 मिनट पे जो कि आरपीएम होता है वो 28,000 बार रोटेट होता है 1 मिनट पे, ठीक है ना। और इसकी मैक्सिमम यदि आरपीएम की बात करूँ तो ये 41,400 आरपीएम इस मोटर में होता है, ठीक है ना। और इस मोटर की यदि खासियत की बात करूँ तो यहाँ पास यदि 10 एम्पियर का आप ESC इस पर यूज़ करते हो, बेसिकली इसमें ESC जो होता है यदि आप इसको परचेस करते हो पैरट AR ड्रोन 2.0 मोटर को, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ESC होता है वो साथ में इनबिल्ट होता है और छोटे ड्रोन के लिए बहुत ही अच्छा इसमें होता है, ठीक है ना। और इस मोटर को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी तरीके से आप इसको इंस्टॉल करते हो। और इस मोटर की बात करो तो कम हाई एफिशिएंसी की गारंटी देती है ये कंपनी, यदि आप इसको परचेस करते हो तो बहुत ही अच्छा ये मोटर होती है, ठीक है ना। और पैरट AR जो ड्रोन की मोटर होती है वो बेसिकली यहाँ पास यदि आप इसको यूज़ करते हो तो इसके साथ एक अटैच मतलब गियर आपको इंस्टॉल करना होगा, इसके साथ लगाना होगा, उसके बाद प्रोपेलर्स जो होते हैं वो अटैच होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छा यदि आप इसको यूज़ करते हो तो इसका आरपीएम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसको इसमें बेसिकली ये होता है कि ये जो मोटर होती है इसमें वाइब्रेशन एक भी नहीं होती, यदि आप अपने ड्रोन पर इंस्टॉल करोगे इसको तो ये मोटर जो होती है एक भी वाइब्रेशन नहीं करती, इसीलिए मैं इस मोटर को नंबर 1 पे रखा। इसकी कॉस्ट भी जो है तो बहुत ही कम है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बेसिकली आपको ये मोटर ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगी, ठीक है ना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी चैनल पे इसी तरह की वीडियो बहुत सारी आती रहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपका दोस्त या कोई रिलेटिव ड्रोन से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।